दोस्तों आज के सफरनामा में बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में भारतीय राजनीति के संदर्भ में YouTube वीडियो बनाकर देश के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी के बारे में, जो अपने वीडियोस के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों पर बात करते हैं। वर्तमान समय में BJP की सरकार है, ये अक्सर वर्तमान के पहलू पर ही चर्चा करते हैं। इसी कारण इन्हें कभी कभी कांग्रेस का समर्थक भी कहते हैं। लेकिन इस पर इनका कहना है कि मेरे लिए सभी राजनीतिक दल एक समान है। ध्रुव अपना यूट्यूब चैनल यूरोप स्थित किसी देश से चलाते हैं। इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने रहने की जगह को सार्वजनिक नहीं किया है। वो कभी भारत आते हैं तो तमाम न्यूज चैनल से इन्हें बुलावा आता है। ध्रुव राठी हरियाणा में पैदा हुए, वही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद जर्मनी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स किया। 2011 में अन्ना हजारे के किए गए आंदोलन के बाद ध्रुव राठी का ध्यान पॉलिटिक्स के तरफ बढ़ता चला गया। पहले से ही यूट्यूब पर काम कर रहे ध्रुव राठी का राजनीतिक मुद्दों पर काम करने का विचार बढ़ गया। यूट्यूब पर इनका पहला वीडियो राजनीति पर बनाया गया था, जिसका नाम था लाइज बिहाइंड द बुलशिट। इस वीडियो से ध्रुव को हजारों लोगों के बीच पहचान मिल गई। इनके पक्षपाती होने का भी आरोप लगाया गया। ध्रुव यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार की नाकामयाबी की बात करते हुए कई मुद्दों पर बातें की। इनका बात करने का तरीका इनके वीडियो का मुख्य आकर्षण था। ये अपने वीडियो से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ध्रुव की ओपिनियन में रविश कुमार जी का शो ट्रस्ट करने लायक है। उनका कहना है कि बाकी न्यूज चैनल्स के मुकाबले रविश कुमार बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं और कोई गलती उनसे हो तो मानते भी है, लेकिन बाकी कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं करते। अपने शो की TRP बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी अपने शो पर बकवास नहीं की। वो ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं जो दूसरे जर्नलिस्ट नहीं करते। यहाँ तक कि फाइनेंशियल बिल पर भी रविश जी ने बात की, जबकि बाकी जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव राठी युवाओं को एजुकेट तो करते ही है, साथ ही वो युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो दोस्तों आज के सफरनामे में हमने बात की ध्रुव राठी के बारे में। ऐसे ही सफरनामों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।